हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर टू एक्सरसाइज 2.3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शन, कौन से रिलेशन फंक्शन है? गिव रीजन, इसका हमें रीजन बताना है। इट इज अ फंक्शन इफ इट इज अ फंक्शन, अगर ये फंक्शन है, डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज, हमें क्या बताना है, उसका डोमेन और रेंज बताना है। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट वन से। टू वन जो हमें रिलेशन दिया गया है आर 5 1 8 1 11 1 14 1 और ये ऑर्डर पेयर 17 1। तो हमें ये रिलेशन दिया गया है, ठीक है। अब हमें बताना है कि फंक्शन है या नहीं। तो हम पहले समझते हैं कि कौन से रिलेशन फंक्शन होते हैं। ए रिलेशन इज ए फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन होगा इफ, फर्स्ट पॉइंट क्या, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज एन इमेज, यानी कि फर्स्ट सेट से जितने भी एलिमेंट है सबकी इमेज होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज ओनली वन इमेज, और फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो ये हम बोलते हैं कि वो रिलेशन फंक्शन है, ठीक है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ठीक है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया गया है इसको हम इस तरह से करते हैं। फर्स्ट सेट के एलिमेंट हैं, ऑर्डर पेयर के जितने पहले एलिमेंट है, फर्स्ट एलिमेंट है, वो सब फर्स्ट सेट से हैं, 2 5 8 11 14 17 2 5 8 11 14 एंड 17। और ऑर्डर पेयर के सेकंड जो एलिमेंट है वो सेट, यानी कि सेट बी, सेकंड जो सेट है इमेज जो है फर्स्ट एलिमेंट की, तो 1 1 जो है वो सब क्या है, सेकंड सेट में है। यहाँ पर 2 की इमेज 1 है, 5 की भी इमेज 1 है, 8 की, 11, 14 और 17, यानी कि इन सब की जो इमेज आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, वो आ रही है 1 आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं कि एवरी एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट हैं सेट फर्स्ट सेट के, ये फर्स्ट सेट हो गया ए और ये सेट बी, तो फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट हैं उनकी क्या है, हैज एन इमेज, सबकी इमेज है। यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है सबकी एक इमेज है। दूसरा क्या है, एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट, यानी कि जो पहला सेट है इसके जितने भी एलिमेंट हैं हैज ओनली वन इमेज, और सभी की केवल एक ही इमेज है। 2 की भी एक इमेज है, 5 की भी एक इमेज है, 8 की भी एक इमेज है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे इसको, फंक्शन। सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। तो फंक्शन होने के लिए हमारे पास बस ये दो कंडीशन जरूरी है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। लेट जो रिलेशन दिया गया है 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। अब ये रिलेशन दिया गया है तो हमें बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं। तो पहले तो हम दोनों कंडीशन चेक कर लेते हैं इसकी।
ये सेट ए और ये सेट बी, ये फर्स्ट सेट हो गया। यानी कि फर्स्ट सेट में ऑर्डर्ड पेयर के फर्स्ट एलिमेंट आएंगे 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14, और सेट बी में ऑर्डर पेयर के सेकंड एलिमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ठीक है, तो देखो 2 की इमेज 1 है यहाँ पर, 4 की इमेज 2, 6 की 3 इमेज बन रही है, 8 की 4, 10 की 5, 12 की 6, 14 की 7। तो जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है कि रिलेशन, कोई भी रिलेशन जो है वो फंक्शन होगा इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ एन इमेज, यानी कि सभी एलिमेंट की एक इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ पर जितने भी एलिमेंट है फर्स्ट सेट के सबकी एक एक इमेज है। दूसरा कंडीशन है एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट हैज़ ओनली वन इमेज, और फर्स्ट सेट के जितने भी एलिमेंट है केवल एक ही इमेज होनी चाहिए। तो यहाँ देखो 2 की भी एक इमेज है, 4 की भी एक इमेज, इसी तरह से आगे जितने भी एलिमेंट है सभी की एक एक इमेज है। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो उसका मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, इट इज़ अ फंक्शन, ये फंक्शन होगा। सो दिस रिलेशन इज अ फंक्शन। अब हमें यहाँ पर डोमेन और रेंज भी बताना है। तो जितने भी फर्स्ट एलिमेंट है ऑर्डर्ड पेयर के वो सब क्या होते हैं, डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन, द डोमेन ऑफ ए फंक्शन। तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 सभी एलिमेंट को लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे क्योंकि क्या है, एक सेट है। इसी तरह से रेंज ऑफ ए फंक्शन, जो सेकंड सेट है, जो इस सेकंड सेट में इमेज जो है फर्स्ट सेट की, वो सब हमारे क्या है, रेंज है। यानी कि सेकंड एलिमेंट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारा क्या जाएगा, रेंज। इसी तरह से फर्स्ट क्वेश्चन में होगा, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में जो है डोमेन हमारा होगा डोमेन ऑफ ए फंक्शन 2, 5, 8, 11, 14 एंड 17, और रेंज ऑफ ए फंक्शन केवल सिंगल एलिमेंट है 1। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, और सेकंड का पार्ट 1। ये कहता है कि फाइंड द डोमेन एंड रेंज, एक तो डोमेन और दूसरा रेंज हमें फाइंड करना है। रियल फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू माइनस मोड एक्स, ये हमें फंक्शन दिया गया है। ठीक है, तो उसके लिए हम टेबल ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स वैल्यू ऑफ एक्स, वैल्यू ऑफ मोड एक्स, और जो हमें फंक्शन दिया है फंक्शन की वैल्यू, और यहाँ पर वेदर रियल नंबर, कि ये रियल नंबर है या नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले एक्स की वैल्यू हम 2 लेते हैं, 2 का मोड 2 ही होगा, यहाँ से फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी -2। जैसे मोड एक्स की वैल्यू रखेंगे बाहर माइनस है तो -2, तो ये तो रियल नंबर है, यस। इसी तरह से 1 लेते हैं, तो मोड 1 की वैल्यू होती है 1, और ये हो जाएगा -1, ये भी रियल नंबर है, यस। नेक्स्ट हम 0 लेंगे, 0 का मोड 0 होता है, और नेगेटिव ऑफ 0 0, यानी कि ये भी रियल नंबर, यस। -1 पुट करते हैं, तो -1 का मोड प्लस के साथ ओपन होगा, यानी कि +1, ये हो जाएगा -1, बाहर माइनस है,
ये भी एक रियल नंबर है, यानी कि ये भी क्या होगा, यस। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, हमेशा नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं और जीरो, नेगेटिव और जीरो वैल्यू मिल रही है। ठीक है, सो डोमेन जो हो जाएगा इसका, हमें डोमेन बताना है, आर यानी कि रियल नंबर, ऑल रियल नंबर, हम कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं इस फंक्शन में, ऑल रियल नंबर। अब यहाँ पर रेंज देखते हैं, तो हमें रेंज क्या मिल रही है, हमेशा नेगेटिव नंबर मिल रहे हैं, जीरो और नेगेटिव मिल रहे हैं, तो रेंज होगी माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो, और यहाँ पर क्लोज इंटरवल, क्योंकि जीरो को हम यहाँ पर इंक्लूड कर रहे हैं, तो ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज। सेकंड पार्ट, एफ ऑफ एक्स इक्व टू अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर, हमें जिसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है, हमें जो फंक्शन दिया गया है अंडर रूट नाइन माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट ये स्क्वायर अंडर रूट है, स्क्वायर रूट है, तो हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो होगी, स्क्वायर रूट के अंदर जो भी वैल्यू होगी वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। सो यहाँ पर नाइन माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन और जीरो के इक्वल वो तभी डिफाइन है, हमारा जो फंक्शन है ये तभी डिफाइन हो पाएगा, रियल नंबर के लिए ये तभी डिफाइन है अगर यहाँ पर ये वैल्यू स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है, यानी कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो है। अगर यहाँ पर नेगेटिव हो जाती है वैल्यू, माइनस टू हो जाए जैसे, तो ये तो इमेजिनरी नंबर हो जाएगा, डिफाइन ही नहीं होगा फंक्शन हमारा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो रखते हैं, क्योंकि जीरो हो सकता है, स्क्वायर रूट जीरो, स्क्वायर रूट ऑफ जीरो जीरो ही होता है, तो यहाँ से वैल्यू हो जाएगी नाइन, ये इधर आएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब ये नाइन ग्रेटर देन इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है, तो इसका मतलब हमारा जो एक्स है वो लाइक करेगा प्लस थ्री और माइनस थ्री में, बीच में इन दोनों नंबरों के बीच में लाइक करेगा ये, तो यहाँ से डोमेन जो हो जाएगा माइनस थ्री से थ्री, माइनस थ्री से प्लस थ्री के, ये हमारा डोमेन हो जाएगा इसमें। हमें फाइंड करना रेंज, तो टेबल ड्रॉ कर दें, एक्स यहाँ पर एक्स की वैल्यू, यहाँ पर फंक्शन जो दिया गया है नाइन माइनस एक्स स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, और यहाँ पर वेदर रियल नंबर और नॉट, कि रियल नंबर है या नहीं, तो यहाँ पर हम एक्स की वैल्यू रखते हैं फोर रख के देखते हैं, तो फंक्शन की जो वैल्यू होगी नाइन माइनस फोर जैसे रखेंगे, फोर फोर जैसे सिक्सटीन, और यह आएगा अंडर रूट माइनस सेवन, जो कि रियल नंबर नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नो। नेक्स्ट नंबर रखते हैं हम थ्री, तो नाइन माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन, जीरो, तो जीरो तो रियल नंबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा यस। नेक्स्ट नंबर लेते हैं टू, नाइन माइनस फोर, यहाँ से मुझे मिलेगा रूट फाइव, ये भी रियल नंबर है, यस। नेक्स्ट वन पुट करके देखते हैं, नाइन माइनस वन स्क्वायर रूट एट, ये भी हमारा रियल नंबर है, यस। नेक्स्ट जीरो पुट कर लेते हैं, नाइन माइनस जीरो थ्री, ये भी हमारा रियल नंबर है,
इसी तरह से हम माइनस थ्री पुट करके देखते हैं यहाँ पर, नाइन और माइनस नाइन, क्योंकि माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन ही होगा और बाहर माइनस है तो नाइन ही आ जाएगा ये, इसका मतलब जहाँ मिलेगा मुझे जीरो, तो ये भी यस। नेक्स्ट माइनस फोर पुट करते हैं, नाइन माइनस सिक्सटीन, अगेन मुझे रूट सेवन मिला जो कि रियल नंबर नहीं है, यानी कि नौ। तो इसका मतलब मुझे जो आउटपुट मिल रहा है यानी कि रेंज जो आ रही है मेरी वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आ रही है, क्योंकि यहाँ पर तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, फंक्शन केवल यहाँ इस बीच में डिफाइन है, प्लस थ्री से ज़ीरो या ज़ीरो से प्लस थ्री के बीच में जाए, फंक्शन हमारा क्या है डिफाइन है। तो यहाँ पर रेंज जो होगी पॉसिबल वैल्यू ऑफ फंक्शन, और जो कि क्या है जीरो से थ्री के बीच, जीरो और थ्री के बीच में रहेगी, यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा रेंज, रेंज ऑफ ए फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री। अ फंक्शन एफ इज डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू टू एक्स माइनस फाइव, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ, ये हमारा फंक्शन है, हमें वैल्यू निकालनी है एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ सेवन और एफ ऑफ माइनस थ्री की वैल्यू। देखते हैं फंक्शन दिया गया है टू एक्स माइनस फाइव, ये हमारा फंक्शन है, ठीक है। तो एट या फर्स्ट हम पहले फर्स्ट पार्ट निकालते हैं एफ ऑफ जीरो, तो इसको सॉल्व करना क्या है कि हमें बस इस एक्स की जगह ये जीरो पुट कर देना है फंक्शन में, यहाँ पर जीरो रखेंगे, जहाँ पर भी एक्स होगा वहाँ पर हम जीरो पुट कर देंगे। तो यहाँ पर एक्स है तो इसका मतलब टू इंटू जीरो माइनस फाइव, यानी कि यहाँ से मिलेगा मुझे माइनस फाइव। सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका एफ ऑफ सेवन, तो जहाँ पर एक्स है इस बार हम यहाँ पर सेवन पुट कर देंगे, तो सेवन इंटू सॉरी इंटू टू, इस टू को बाद में लिख देते हैं, माइनस फाइव, फोर्टीन माइनस फाइव यानी कि नाइन। थर्ड पार्ट देखते हैं एफ ऑफ माइनस थ्री, अब जहाँ पर भी एक्स है वहाँ पर माइनस थ्री पुट करेंगे, तो टू इंटू माइनस थ्री माइनस फाइव, सिक्स माइनस सिक्स और माइनस फाइव यानी कि माइनस इलेवन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। द फंक्शन टी विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस, एक फंक्शन है टी जो कि मेज़र करता है टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में इनटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट, इज़ डिफाइंड बाय, और यहाँ पर जो सेल्सियस है वो फ़ारेनहाइट में डिफाइन किया गया है इस फॉर्मूले के द्वारा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर वैल्यू निकालनी है टी ऑफ जीरो, टी ऑफ 28, इसी तरह से आगे, ठीक है। तो करते हैं फर्स्ट पार्ट इसका, जो हमें फंक्शन दिया गया है नाइन बाई फाइव, एफ ऑफ सी क्वेश्चन नाइन बाई सी फाइव सी प्लस 32, ये फंक्शन है, ठीक है। अब हमें निकालना है टी ज़ीरो, टी ऑफ ज़ीरो, तो यानी कि ये फंक्शन है, सो ये टी है, टी ऑफ सी क्वेश्चन नाइन बाई सी, तो यहाँ पर सी की जगह जीरो रख देंगे, जहाँ भी सी होगा वहाँ पर हम क्या रखेंगे जीरो पुट कर देंगे, ये पार्ट तो जीरो हो जाएगा, केवल बचा 32, यानी कि आंसर कितना है यहाँ पर 32। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, हमें निकालना है टी 28, टी ऑफ 28, तो जहाँ पर भी सी है वहाँ पर हम क्या रख देंगे 28 पुट कर देंगे, प्लस 32, 9 की 28 में मल्टीप्लाई करते हैं 252 अपॉन 5 प्लस 32, एलसीएम ले लेते हैं 252 प्लस 32, 5 जो 160 अपॉन 5, ये हो जाएगा 412 अपॉन 5, 412 को डिवाइड कर देते हैं तो 58 जा 40 और 5 टू जा 10, 5 4 जा 20, यानी कि 82.4 समथिंग।
तो ये हमारा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेंज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। अब हमें इस क्वेश्चन में क्या है, रेंज फाइंड करनी है। तो फंक्शन दिया गया अलग अलग। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, जहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर में और x ग्रेटर देन है 0 से, ठीक है। तो हमें केवल यहाँ पर रेंज फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 5 पार्ट 1। यहाँ पर फंक्शन दिया गया है 2 - 3x और x बिलोंग करता है रियल नंबर में और x ग्रेटर देन है 0, ठीक है। गिविन दैट हमें क्या दिया गया है कि यहाँ पर x जो है, कंडीशन जो दी गई है x ग्रेटर देन 0 के, x ग्रेटर देन 0 के, ठीक है। अब देखो फंक्शन हमें इससे क्या है, ये फंक्शन बनाना है, जो हमें कंडीशन दी गई है इस कंडीशन से ये फंक्शन बनाना है। तो यहाँ पर x के साथ 3 आ रहा है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ पर 3x 0 मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर माइनस है, 3x जो है वो माइनस का है तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस से, मल्टीप्लाइंग बाय -1 बोथ साइड्स, तो -3x। अब जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनक्वालिटी चेंज हो जाती है, ग्रेटर देन है ये हो जाएगा लेस देन 0। अब यहाँ पर हम 2 ऐड कर रहे हैं, -3x में 2 ऐड कर रहे हैं, तो दोनों साइड 2 ऐड कर देते हैं। एडिंग 2 बोथ साइड, तो इधर हो जाएगा 2 - 3x लेस देन 0 + 2। अब ये तो बन जाएगा फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है 2 - 3x और यहाँ पर ये हो जाएगा लेस देन 2, यानी जो फंक्शन है वो लेस देन 2 है, उसकी जो रेंज है वो क्या है, लेस देन 2। तो रेंज क्या हो जाएगी यहाँ पर, ये फंक्शन की वैल्यू डिफाइन कर रहा है और वैल्यू को हम रेंज बोलते हैं। तो रेंज इक्वल टू हो जाएगा -∞ से 2 - ∞, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। यहाँ फंक्शन दिया गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 फंक्शन है और यहाँ पर x जो है इज अ रियल नंबर, तो हमें यहाँ पर इसकी रेंज फाइंड करनी है। अब ये स्क्वायर है, x का स्क्वायर है और वी नो दैट स्क्वायर ऑफ नंबर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव, कि कोई भी अगर हम नंबर रखेंगे नेगेटिव पॉजिटिव तो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो हम अपनी तरफ से कंडीशन लाते हैं, क्योंकि यहाँ पर दे दिया गया ये स्क्वायर है, जब भी स्क्वायर होगा तो हम स्टार्ट हमेशा ऐसे करेंगे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि अगर आप यहाँ पर कुछ भी वैल्यू रखो नेगेटिव 0 या पॉजिटिव वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होंगी। 0 रखेंगे तो 0 के इक्वल हो जाएगा, पॉजिटिव और नेगेटिव रखेंगे तो हमेशा ग्रेटर देन रहेगी। अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ 2 ऐड हो रहा है तो हम दोनों साइड 2 ऐड कर देंगे, एडिंग 2 ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से मुझे मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2, क्योंकि इसके द्वारा इस कंडीशन से हम ये फंक्शन बनाएंगे। अब ये फंक्शन बन चुका है तो इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 + 2 होता है। तो यहाँ से रेंज जो होगी हमारी फंक्शन की वो ग्रेटर देन 2, यानी कि अब ये इक्वल आ रहा है, तो यानी कि यहाँ पर हम यूज़ करेंगे क्लोज इंटरवल 2 से +∞। थर्ड पार्ट देखते हैं इसका, यहाँ पर फंक्शन दिया गया है कि एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स और एक्स इज ए रियल नंबर, तो यहाँ पर एक्स क्या है, रियल नंबर है और हमें इसकी क्या रेंज फाइंड करनी है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स एंड एक्स इज अ रियल नंबर, ठीक है।
तो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा फंक्शन डिफाइन है। x की नेगेटिव रखो, पॉजिटिव रखो, जीरो रखो, ये सभी वैल्यू के लिए क्या है, डिफाइन हो रहा है। तो इसकी तो डायरेक्ट रेंज हो जाएगी, रेंज ऑफ ए फंक्शन इक्वल्स टू आर, यानी कि ऑल रियल नंबर, ऑल रियल नंबर। ओके, थैंक यू।